नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जो पे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के लिए एक अपडेट निकल कर आ रही है उत्पाद सिपाही स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल भर्ती को लेकर। जैसा कि फ्रेंड मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में कहा था कि दोपहर तक में एक हमारी वीडियो आएगी, तो इस वीडियो में एक मैं जो JSSC ग्राउंड के बाहर जो फ्रेंड जो बात हुई है छात्रों के बीच में, एक वीडियो प्ले करने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी गौर से जरूर देखिएगा और सुनिएगा जो चेयरमैन ने छात्रों से क्या कहे हैं, तो आप सभी छात्रों की ही मुंह जुबानी सुने। और हमारा फ्रेंड यही प्रयास रहता है कि आप सभी के बीच में जो भी सटीक जानकारी रहती है मैं वही शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को प्ले करता हूँ। तो इससे पहले चैनल पे जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे, आगे की जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगी सबसे तेज देखने को मिलेगी। और फ्रेंड हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को हरदम जो है सटीक ही जानकारी मिलती है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि आप क्या चेयरमैन हो, तो चलिए वीडियो को क्लिप को आप सभी खुद सुन लें। ये छात्र का ही क्लिप है जो छात्र गए थे सैकड़ों की संख्या में। सरकार हमारे पक्ष में है या नहीं है, या JSSC का ये भी कहना है कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर जिस तरह से हम लोग देख रहे नहीं होगा तो हम नया इसका विज्ञापन निकाल कर दोबारा एग्जाम ले। ये तो सुनने में हमको जहाँ तक पता चला JSSC के तहत कि हो सकता है कि दोबारा विज्ञापन निकाले, ये सरासर गलत है। हम लोग तो इसके अलावा हम लोग लग रहा है कि हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि हम लोग लग रहा है कि आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार है, हम लोग महा आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात अब सरकार के समक्ष हम लोगों को रखना है कि हाँ हम लोग सरकार के समक्ष ये बात को रखेंगे। कहे कि ये जो मुद्दा है बहुत अब लगता है कि आगे बढ़ गया। 2 साल हम लोग इस तरह से रखा गया कि 100% रिजल्ट के वैकेंसी तो हम लोग दी अच्छा से, अब बताया जा रहा है कि आप लोग का नौकरी नहीं मिलेगा इस उत्पाद सिपाही में या इस वैकेंसी में। आप लोग 100% रिजर्व था तो हम लोग अब बहुत क्या बता सकते हैं, हम लोग अब मरने के कगार पे हैं। बहुत तरह से अब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। पिछले बार आए थे तो पिछले बार बोला गया कि आप लोग का रिजल्ट बनकर तैयार है, सारा प्रोसेस क्लियर करके हम क्लियर करके रखें। और जब आज बोले हम लोग रिजल्ट के लिए मांग करने के लिए आए हैं तो उनका कहना है कि देखो ये रिजल्ट 100% वैकेंसी दोनों रिजर्व है झारखंडियों के लिए, इसमें ना बिहार का कैंडिडेट भरा है ना बंगाल का ना छत्तीसगढ़ का, इसीलिए इसका रिजल्ट हम जारी नहीं कर सकते हैं। हमको जब कार्मिक विभाग बोलेगा तब हम रिजल्ट जारी करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जजमेंट में भी इस प्रकार से नहीं कहा गया कि जजमेंट में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना हम लोग का हाईकोर्ट का जजमेंट में कहीं मेंशन है, ना सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ड्राफ्टिंग की है उसमें भी हम लोग किसी तरह कोई मामला ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें JSSC का टालमटोल सबसे अधिक दिखा सर है। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, JSSC का कहना है कि आफ्टर जजमेंट आप लोग वेट कर लीजिए। तो जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कोई टाइम टेबल नहीं होता है सर, हो सकता है कि 4 साल भी लग जाए। आंध्र प्रदेश की तरह आप जानते भी होंगे उतना दिन लगा, तो हम लोग किस तरह से वेट करें। JSSC का कहना है कि आप लोग आफ्टर जजमेंट के बाद कुछ हो सकता, लेकिन उनका फाइनली कहना है कि आप लोग का रिजल्ट नहीं दे सकते हैं कि 100% रिजर्व है, वैकेंसी हो सकता है रद्द भी हो जाए, ऐसा JSSC का कहना है। क्या गलती है बताइए इसमें, हम लोग का क्या गलती है, हम लोग तो नियोजन नीति बनाए नहीं है, फॉर्म निकला है एग्जाम दिए, हम लोग रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, आप रिजल्ट का मांग कर रहे हैं तो हम लोग टालमटोल करके भगा दे रहा है। और हम लोग इस उम्मीद से हेमंत सरकार को नहीं बनाया था कि हम लोग इस तरह से हम लोग के मिलेगा दरबदर का। हम लोग हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं, मेरे दोस्त लोग हम भी कूद गए हैं, बादल पत्रलेख से मिले, जितने भी मंत्री हैं झारखंड में जो जिस स्तर से हम लोग चाहे हैं, जितना भी कोशिश हुआ हम लोग मिले भी हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को बताया गया था कि नहीं JSSC उत्पाद सिपाही का रिजल्ट बन के तैयार है, बस आप लोग खाली साइड पे बने रहिए, ऐसा बताया जाता था। लेकिन आज जब हम लोग फाइनली मिले हैं तो बोला है कि आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल क्या है कि अब आप लोग का रिजल्ट तो बना ही नहीं था, बिल्कुल ये सब हम लोग फॉर्म में रखा गया था, रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ ना। हमको लगता है कि सर यहाँ तक तो कॉपी वोपी कुछ भी जांच वगैरह नहीं हुआ, सब खाली फॉल्स था। एग्जाम हुआ है पता नहीं, कॉपी है भी नहीं JSSC में, भी पता नहीं वो भी कहा हुआ है, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। और हमको लगता है ये सब सरकार का नहीं, JSSC और सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है अंधकार में जाने वाला है इस वैकेंसी को लेकर। और इतना दिन से आप लोग इसी की उम्मीद पर बने हुए थे? हाँ, इसी की उम्मीद पर बने हुए थे। तो फ्रेंड इस वीडियो क्लिप को आप सभी देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं। JSSC का फ्रेंड कहना है कि हो सके फिर से विज्ञापन निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड ऐसे में अगर विज्ञापन निकाला जा सकता है तो जो पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो एग्ज़ाम लिए गए, तो वो सारी रद्द हो जाएगी, फिर से न्यू फ्रेश विज्ञापन निकाला जाएगा और इसमें बहुत सारे छात्र फिर से आवेदन करेंगे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है साथियों, देख सकते हैं ऐसा JSSC के तरफ से कहना है। और ये छात्र जो गए थे सैकड़ों की संख्या में, वहीं से ये ग्राउंड रिपोर्टर जानकारी हमें मिली है, और साथ में जो छात्र हमारे मुझ तक ये वीडियो क्लिप और फोटो शेयर की है। तो फ्रेंड आगे की जो भी रणनीति होगी इस चैनल से माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी, और हमारे पेज के माध्यम से आप सभी हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें। इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों पे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के धन्यवाद।